हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर स्पेशली नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारतीय रेलवे के एक नए अपडेट से रिलेटेड कुछ नई जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि आए दिन भारतीय रेलवे कुछ ना कुछ नया अपडेट लेकर के आता रहता है अपने पैसेंजर के लिए, ताकि अपने पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का जो अपडेट है मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे आप जो टिकट बुक कराने जाते हैं, जब भी आप चाहे काउंटर से टिकट बुक करें, चाहे आप अपने खुद के अकाउंट से IRCTC के किसी एप्लीकेशन से या फिर IRCTC वेबसाइट से जाकर अगर टिकट बुक करते हैं, तो होता क्या है कि जैसे कि अगर 4 महीना पहले अगर आप बुकिंग कर लेते हैं तो आपको सीट कंफर्म मिल जाता है किसी भी रूट का हो। लेकिन अगर आपने 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले अगर टिकट आप बुक करने जाते हैं, तो आपको होता क्या है कि आपको जो कंफर्म टिकट नहीं मिलता, उसमें लिखा होता है RAC 10, 20, 50, 100, जो भी होता है RAC, या नहीं तो फिर वेटिंग लिस्ट होता है। तो बहुत से जो है हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स करके मुझे बताया, पूछा है कि अगर सर ये RAC का मतलब होता क्या है, मुझे इसके बारे में डिटेल में बताएं, और अगर RAC कंफर्म होता है तो मुझे कौन सा सीट दिया जाएगा, अगर कंफर्म नहीं भी होता, अगर मैं RAC ही रह जाए ये सीट, तो हमें क्या होगा, या क्या वो टिकट कैंसिल हो जाएगा, या फिर मुझे ट्रेन में चढ़ने के लिए अलाउड करेगी TT, या फिर नहीं चढ़ने दिया जाएगा मेरे को। तो क्या है ये सारी जानकारी, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले एक प्यार भरा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इंडियन रेलवे से रिलेटेड नई जो भी इंफॉर्मेशन हो आप तक पहले पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देते हैं कि आपके RAC होता क्या है और कहाँ सीट दिया जाता है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप टिकट बुक करने जाते हैं, तो आप जब भी रेलवे का टिकट बुक करेंगे, आप पहले उसके पहले स्टेटस चेक करते हैं, आप देखेंगे स्टेटस, चाहे आप काउंटर पर जाएं, चाहे आप अपना खुद से टिकट बुक करते हैं अपने ICTC अकाउंट से, तो जब भी आप टिकट चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको कन्फर्म है तो फिर कन्फर्म सीट दिखाएगा, अगर कन्फर्म नहीं है तो फिर होता क्या, वहाँ पर या तो फिर RAC शो करेगा, RAC नहीं है तो फिर आपको वहाँ पर वेटिंग लिस्ट शो करेगा। वेटिंग लिस्ट वो जनरल वेटिंग लिस्ट होगा, या फिर PQWL होगा, पुल कोटा वेटिंग लिस्ट, या फिर RLWL होगा जिसका रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट होता है, ये सारे डिटेल इसके अंदर होता है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर RAC होता क्या है। देखिए फ्रेंड, सबसे मेन क्या होता है, RAC का जो फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो RAC में जैसे कि आपसे पहले जो भी लोगों ने टिकट बुक कराया होगा, जैसे कि अगर मान चलिए किसी भी ट्रेन में 100 सीट खाली है होता है, रेलवे अगर 100 सीट प्रोवाइड करती है जनरल कोटे में, तो 100 सीट अगर लोगों ने बुक कर लिया होगा, उसके बाद जो है रेलवे जो हो 100 सीट कंफर्म ख़त्म होने के बाद में RAC का बुकिंग स्टार्ट कर देती है उस ट्रेन में। RAC का मतलब क्या होता है कि जैसे आप जो बर्थ आप जो बुक करते हैं स्लीपर में, जो बर्थ चाहे 3rd AC हो, चाहे स्लीपर हो, चाहे 2nd AC हो, आप किसी भी क्लास में जब रिजर्वेशन करते हैं तो आपको पूरा बर्थ मिलता है, तो उस बर्थ पे आप अकेले जो है आपका रिजर्वेशन होता तो आप रात में जो है उस पर सो करके जा सकते थे। लेकिन अगर आप RAC बुक करते हैं, अगर आपको टिकट चार्ट बनने तक अगर RAC हो जाता है, तो आप उस पर जो है अकेले नहीं सो सकते, आपके साथ में एक पैसेंजर और होगा, क्योंकि जब रेलवे जब चार्ट बनेगा रेलवे की तरफ से, तो चार्ट बनने के टाइम में होता क्या, जब RAC अगर रह गया तो आपके सीट पे 2 लोगों के अलॉट करेगी रेलवे, एक आप, एक जो नेक्स्ट बंदा होगा कोई जिसका RAC रह गया होगा, उसको आपके साथ में एडजस्ट होकर जाना पड़ेगा, या तो आप उसके साथ सो करके एडजस्ट करके जाएं, या फिर आप पूरी रास्ते जो है या पूरी रात जो है आप अपना बैठ करके बिताएं। तो RAC ये होता है। लेकिन RAC कंफर्म होने का चांस कब होता है और कैसे होता है, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, जब भी आप टिकट बुक करते हो, देखिए इस तरह से जो आपको शो कर रहा है यहाँ पे RAC लिखा हुआ होता है, तो RAC कब आपको जो है ये मिलता है, RAC कंफर्म टिकट मैंने आपको बताया कि जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये RAC मिलता है। तो RAC कंफर्म होने का चांस कब होता है कि जो भी आपसे पहले लोगों ने जो टिकट बुक कराया होगा, जिनका कंफर्म टिकट है, अगर वो कैंसिल करते हैं अपने टिकट को, कभी भी टिकट कैंसिल करें, ट्रेन जाने से 4 घंटा पहले, या 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो जैसे वो कैंसिल करेंगे तो जिनका पहला नंबर RAC होता है उनका कन्फर्म कर देता है रेलवे, उनका सीट कन्फर्म हो जाता है। तो वैसे ही अगर आपका 10 नंबर का RAC है, तो आपसे पहले जो लोगों ने जो टिकट कैंसिल कंफर्म बुक करा रखा होगा, उसमें 10 लोग का टिकट कैंसिल करेंगे तब जाके आपका RAC कंफर्म होगा, वरना आपका RAC ही रह जाएगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही यही है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो जो रिजर्वेशन टिकट है उसको अगर वो कैंसिल कराएंगे तभी आपका RAC कंफर्म होगा, वरना फिर आपको आधी सीट ही मिला करेगा, पूरी सीट आपको नहीं मिलेगा। और ये RAC में आपको सीट कौन सा मिलेगा फ्रेंड्स, ये भी एक सवाल बनता है, बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर मैं RAC टिकट में रह गया तो कौन सा सीट मुझे प्रोवाइड करेगी रेलवे। तो फ्रेंड्स, RAC में जो होता क्या है, साइड लोअर बर्थ और साइड अपर बर्थ। आप जब भी ट्रेन के कोच में ट्रैवल करते हैं तो आप देखते होंगे उसमें जो एक तरफ 6 सीट होता है, चाहे राइट साइड में 6 सीट हो और लेफ्ट साइड में जो है 2 सीट होता है।
चाहे लेफ्ट में 6 होता है, राइट में 2, मतलब किसी एक तरफ 2 सीट होता है, किसी तरफ 6 सीट होता है। तो जिधर का 2 सीट होता है उसको साइड लोअर कहते हैं, नीचे वाले को साइड अपर कहते हैं, ऊपर वाले को। तो फ्रेंड्स, अगर आपका आरएसी ही रह जाता है चार्ट बनने तक भी, आपका जो है टिकट पूरा कंफर्म नहीं होता है, आपका चार्ट बनने के बाद आरएसी अगर आपको सीट नंबर कोच नंबर आता है तो आपको जो है साइड लोअर बर्थ में जो है आपको दिया जाएगा बैठ के जाने के लिए, दो लोगों को, जो आप होंगे और जो दूसरा जो आरएसी का बर्थ जिनको अलॉट किया जाएगा, वो आप दोनों आदमी एक साथ साइड लोअर बर्थ में जो है दो लोग एक साथ एक सीट पर बैठ करके जाएंगे, चाहे सो करके जाएँ चाहे बैठ के जाएँ, वो आपके ऊपर ये करता है कि आप कैसे जाएंगे, ट्रैवल करेंगे आप चाहे बैठ करके जाएँ चाहे सो करके जाएँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपका आरएसी रह जाता है तो आपको आरएसी में जो है ये साइड वाला ही सीट अलाउड करती है रेलवे। अगर आपका पूरा कंफर्म हो जाता है तो फिर आपको या तो फिर नीचे का पूरा सीट दे दिया जाएगा साइड लोअर बर्थ, या तो फिर साइड अपर बर्थ पूरा दे दिया जाएगा, या फिर इधर का जो 6 सीट होता है लोअर मिडिल अपर, इसमें से किसी एक सीट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका जो है आरएसी का जो है बुकिंग कंफर्म होने के बाद में, अगर आप आरएसी बुकिंग करते हैं तो आपका कंफर्म होता है तो आपको जो पूरा सीट प्रोवाइड कर दिया जाता है, नहीं तो फिर आपको आरएसी में आधी सीट पे ही साइड डोर बर्थ में आपको गुजारा करना पड़ता है और उसमें ट्रैवल करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये जो आपका आरएसी वाला जो डाउट होगा ये क्लियर हो चुका होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।